अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप के यार सब ठीक हो गए। नहीं, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि आपने रात वाली वीडियो देखी होगी मेरी, रात को लाइव स्नोफॉल हो रही थी, मैंने वो व्लॉग बनाया था। तो अभी सीन ही है कि पीछे देख सकते हो आप लोग, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है और अभी भी मौसम ख़राब है। एक सेकेंड, अभी भी देख सकते हो आप लोग बादल आए हुए। तो सीन ये है कि शॉर्ट्स वगैरह मैंने पहले ले लिए थे सवेरे सवेरे, क्योंकि बर्फ़ इतना टाइम ठहरती नहीं है, पिघल जाती है और दरख्तों पर से भी पिघल जाती है, इसलिए शॉर्ट्स वगैरह मैंने पहले ले लिए थे। तो यार सीन्स ये हैं कि रात वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने उसका नहीं चेक किया हुआ अभी क्या सीन हुआ उसका। फ़ोन में बैटरी भी लो है और लाइट भी नहीं है बर्फ़ की वजह से, या पता नहीं क्या मसले मसाइल है इनके बिजली वालों के। तो हमेशा की तरह बाल मेरे आज भी बिखरे हुए हैं। इस सब क्या देखना पड़ रहा है। वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, शॉर्ट्स वगैरह मैं एंड पे ऐड कर लूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना प्लीज़ प्लीज़। नहीं और फ़ोन से भी मैं दिखा देता हूँ अभी कि क्या सीन्स है। तो यार शॉर्ट्स वगैरह हमने सिटी के भी लिए हैं, और क्योंकि अभी थोड़ी रोड्स वगैरह का मसला हो सकता है इसलिए ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हम। शायद थोड़े टाइम बाद, मतलब आज ही इंशाल्लाह, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी के लिए सिटी के ही शॉर्ट्स वगैरह लिए हुए। तो आई होप कि आपको अच्छे भी लगेंगे और आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी कर लोगे। लाइक लाजमी किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, कमेंट्स वगैरह भी कर लिया करो। बहुत अच्छे से लिए हैं। पहले जो बर्फ़ पड़ी थी ना, उसका सीन ये था कि वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, वो बस समझ ले आपके पड़ी है और पिघल गई थी एक ही दिन में। तो ये मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन रुक जाएगी, और अगर इस पे और पड़ जाती है तो वो भी फिर ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो अगर मौसम साफ़ हो जाता है तो ये बर्फ़ फिर जम जाएगी। और सुबह हम सोए थे 3 बजे, उसकी वजह ये थी कि रात को हमने वीडियो अपलोड करनी थी, और रात को हम वीडियो बनाते बनाते हमें टाइम हो गया था 1:30 के बाद हमने वो वीडियो एडिट किया, फिर उसके बाद हमने उसको अपलोड भी लगाया है। और इधर नेटवर्क का सीन ये होता है कि आपको रात को अपलोड कर सकते हो वीडियो और सुबह तक हुई होती है वो। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सुबह मैं सवेरे उठूँगा या लेट, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को अपलोड भी करना था, फिर मोनेटाइजेशन भी ऑन करनी थी उसकी, और फिर उसके बाद मैंने क्या करना था पब्लिश भी करनी थी और टैग्स वगैरह भी डालने थे। तो ये सारे सीन थे, इस वजह से हम हो गए थे लेट, और ये स्टोरी है बस लेट सोने। लाइट आ गई है और हमें ड्रोन की बैटरीज भी चार्ज करनी है, और ड्राइविंग वगैरह का सीन करते हैं शाम तक, कोशिश करते हैं कि हो जाए और वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ऐड करेंगे। तो शॉर्ट्स वगैरह देखना, वीडियो के एंड तक देखा करो, स्किप ना किया करो वीडियोस को। कुछ टाइम से पता नहीं क्या सीन है, स्किप हो रही हैं वीडियोस, पता नहीं नए सब्सक्राइबर्स आए हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या सीन है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करो, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है वीडियो को। तो बाकी ये है कि मौसम बहुत मज़े का हुआ है। ट्रैवलिंग का मैं ये कह रहा था कि ट्रैवलिंग हम करेंगे लेकिन शाम को करेंगे, और वो वाले व्लॉग जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे इसका, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग इजीली देख सको। और जो शॉर्ट्स होंगे ना वो पूरे रावलाकोट के होंगे, तो उसमें मैं लोकेशंस वगैरह मेंशन कर लूँगा। अगर एक ही शॉट हम लेते ना तो वो उस तरह से बनती नहीं है, फिर वीडियो एक ही दम से ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सिनेमैटिक नहीं लगती। तो शॉर्ट्स इस तरह होंगे कि हर एक जगह के होंगे, जिस तरह लास्ट वाली वीडियो में थे, और हर एक जगह मेंशन भी होगी। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी वीडियो सिनेमैटिक लगेगी और बेहतर लगेगी। बाकी ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो सीन है ना, वो ये है कि वो बंदा एक शॉर्ट से भी काम चला लेता है, शॉर्ट सी वीडियोस होते हैं। तो यूट्यूब का ये होता है कि आपको फिर लंबी वीडियोस थोड़ी बनानी पड़ती हैं और थोड़ी सिनेमैटिक सीन देना पड़ता है उनको। तो ये रीज़न है लंबी वीडियो बनाने की और शॉर्ट्स ज़्यादा लेने की, थोड़ी सिनेमैटिक लगती हैं, अच्छी लगती। तो अभी मौसम का सीन ये है कि मौसम ठीक है अभी भी, तो जैसे ही रोड्स वगैरह थोड़े बेहतर होते हैं, पता चलता है, कोई पता करते हैं कि मतलब अच्छी सी जगह का जिधर फॉरेस्ट वगैरह हो ना, उधर का व्लॉग बना लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना, और वीडियो को एंड तक देखना। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्नो को, और जो इधर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों का भी
हैदर से रात को मेरी बात हुई थी, वो भी जा रहा था मेरे ख्याल से। उसकी हमने लास्ट वाले व्लॉग में जब हम उसके साथ थे तो हमने उसकी बहुत ज़्यादा क्लास ले ली थी, तो वीडियो मैंने एडिट ही इसी तरह से की थी कि थोड़ा फनी लगे। तो वो कह रहा था कि मिलना तो बताऊँगा, उससे भी मिलेंगे, फिर देखते क्या सीन है उससे। फ़ोन की हमने पार्टी भी लेनी है। जो शॉर्ट्स वगैरह होंगे वो एंड पे ही ऐड होंगे, तो पूरे देखना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम से फॉलो कर लेना, और लाइक्स वगैरह करते रहना, सपोर्ट करते रहना। आजकल थोड़ा चैनल ग्रो कर रहा है। लास्ट सीन ये हुआ था कि मैंने 2 मंथ्स ऑलमोस्ट ब्रेक ले लिया था चैनल से, तो बिल्कुल नीचे आ गया था सिस्टम। पहले जो व्यूज़ आ रहे थे थोड़े बहुत, वो भी रुक गए थे। तो अभी का सीन ये कि कोई गैप नहीं करना, हमने जिस तरह का व्लॉग हम बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएंगे। तो यार अगेन फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आई एम हमजा तारिक खान, साइनिंग आउट।